जबलपुर से है, जहां जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 42 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए। कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अमन चौधरी गोपाल अर्केट के पीछे पड़ी खाली जगह पर काली पन्नी के नशीले इंजेक्शन लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित करते हुए मौके पर दबिश दी, जहां अमन चौधरी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 20 नशीले इंजेक्शन जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने इसी प्रकार जैन पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम पता पूछते जाने पर उसने अपना नाम संतोष झारिया निवासी हरदौल मंदिर बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 22 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसे जब्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। क्या मामला है, कितने आरोपी? ये आज हमारे थाना स्टाफ में सहायक उपनिरीक्षक मुकेश पठारिया जी और राजेश मिश्रा जी, इनको मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि दमो नाका स्थित जैन पेट्रोल पंप के पीछे आशीष झारिया उर्फ डॉन निवासी हरदौल मंदिर के पास का ये रहने वाला है, नशीले इंजेक्शन का विक्रय करने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी अपने पास में इंजेक्शन भी रखे हुए हैं। सूचना पर हमारे सहायक उपनिरीक्षक मुकेश पठारिया जी ने कार्रवाई करते हुए डॉन को रंगे हाथों इंजेक्शन का विक्रय करते हुए पकड़ा, जिसके पास तलाशी लेने पर फेनिरामाइन के 22 इंजेक्शन और 22 एम्पुल इसके पास बरामद हुए हैं। इसी प्रकार से आरोपी अमन चौधरी के संबंध में सूचना मिली थी कि गोपाल आरोप के पास में इनके द्वारा नशीले इंजेक्शन का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई किया, अमन चौधरी के पास में तेनाविल इंजेक्शन के 12 इंजेक्शन इनके पास मिले और 12 एम्पुल इनसे बरामद हुए हैं। आपराधिक प्रकरण दोनों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है, FIR दर्ज की जाकर इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।